हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे हम इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो पिछले क्लास में देखे थे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस, और आज की क्लास में देखेंगे जॉयस्टिक, ट्रैक पॉल, लाइट पेन। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जिसमें हम देखे थे पहला कीबोर्ड क्या होता था, क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद देखे थे माउस। तो कीबोर्ड में भी हम पूरा देखे थे कि कीबोर्ड होता क्या है, कैसे कार्य करता है, उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, माउस देखेंगे, और आज देखेंगे जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। ये भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉयस्टिक क्या होता है। तो जॉयस्टिक देखो, यह डिवाइस वीडियो गेम खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड के द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल तेज गति से खेले जाते हैं, उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जॉयस्टिक। मतलब सीधा सीधा आप देख लो, आप कीबोर्ड से हर गेम को खेल सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ गेम ऐसा है जिसको खेलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फास्ट खेलना पड़ता है, ठीक है, अपने हाथ को भी बार बार हम कीबोर्ड में इधर इधर नहीं करते, तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, जॉयस्टिक का। तो जॉयस्टिक क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है, बच्चों द्वारा अगर गेम खेलना है तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम, जॉयस्टिक का। ठीक है, आप अगर कोई शॉप में जाते हो, वीडियो गेम शॉप में, आप आजकल तो घर में खेलते हैं, तो वहाँ पे हम भी किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का। देखना वो रिमोट क्या है आपका, जो रिमोट जैसा रहता है ना, वही क्या हो जाएगा आपका, जॉयस्टिक हो जाता है। ठीक है, तो जॉयस्टिक जो है वो क्या करता है, तो मतलब सुविधाजनक महसूस कराता है किसको, हमको वीडियो गेम खेलने में। तो सीधा सीधा यही हो गया कि कीबोर्ड में खेलना जटिल हो जाता है, जिसके कारण हम किसका उपयोग करते हैं, जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जॉयस्टिक, एक क्वेश्चन आता है कि जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, तो जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस होगा, आपका इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग गेम खेलने में करते हैं। ठीक है, फिर अगला डिवाइस देखते हैं हम लोग, ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कौन सा इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, यह लाइन को याद रखना। ठीक है, जो माउस की तरह ही कार्य करता है, इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी उंगलियां उसके बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा से उस गेंद को घुमाते हैं। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि माउस जो है हमारा ज़्यादा जगह घेरता है, इससे पहले माउस को पढ़े थे, यह क्या करता है, कम जगह घेरता है, क्योंकि एक बॉल के थ्रू क्या होता है, इधर उधर घूमते रहता है, तो कम जगह घेरता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो लैपटॉप में, मोबाइल तथा रिमोट में ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। तो इससे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है। तो हम सब तो जान रहे हैं कि इनपुट डिवाइस है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन कर देता है कि कैसा इनपुट डिवाइस, तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रैक बॉल के बाद लाइट पेन। ठीक है, तो लाइट पेन भी क्या है आपका, एक इनपुट डिवाइस है। तो देखो, लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है, मतलब डिवाइस, अतः लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है। तो लाइट पेन भी क्या है आपका, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें कोई भी ग्राफिक्स को आप बना सकते हो, आवश्यकता अनुसार उसको क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, और हम उसको क्या कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस और कौन इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन अगर आपसे पूछा जाता है, तो लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, लाइट पेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लाइट पेन का नीचे डायग्राम दिया गया है, कैसे दिखता है और कैसे कार्य करता है, वो तो मैं बता दिया कि लाइट पेन जो का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। तो माउस का भी हम प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए करते हैं, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, तो चित्र या ग्राफिक्स बना सकते हैं। ठीक है, अतः लाइट पेन ऑब्जेक्ट के चयन करता है और क्या करता है, कार्य करता है। थैंक यू।